वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम जो अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें अब हमारा अगला आर्टिकल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर द एनर्जी इज़ एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। Each such packet of energy is called a quantum. In case of light, this quantum of energy is called photon. Planck ने बोला था कि जो energy emit होती है या absorb होती है वो continuous नहीं होती, मतलब discontinuous होती है। और किस form में होती है? एक छोटे छोटे packets के form में होती है, जिसमें जो packet है, packets of energy को हम quantum बोलते हैं। और इस case में जो light जो डिस्क क्वांटम एनर्जी ऑफ लाइट जो होती है उसको हम बोलते हैं फोटोन। ये आप देख सकते हो यहाँ बता रखा है, ये ओल्ड व्यू था और जो अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी था वो इस तरह का था। सेकंड पॉइंट, एट ए टाइम ओनली वन फोटोन कैन बी सप्लाइड टू वन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल। तो एट ए टाइम अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही फोटोन जो है वो सप्लाई किया जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन को या किसी पार्टिकल को। थर्ड उसने बोला कि वन क्वांटम कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वांटम मतलब इतना छोटा होता है कि उसे ना हम डिवाइड कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। हर क्वांटम जो है उसकी एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर, यानी कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इक्वल टू एच न्यू अपॉन लैम्डा। कल पिछले लेक्चर में हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, उस का यूज़ करें तो हमारे पास ये आता है। H यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। फिफ्थ आता है द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी। टोटल एनर्जी जो भी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है किसी बॉडी के द्वारा विल बी इन होल नंबर क्वांटा। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? होल नंबर क्वांटा में, यानी कि E इक्वल टू एन एच सी और अगर C की वैल्यू डाल दें तो एन एच न्यू अपॉन लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों स्टडी किए थे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेज। जो एनर्जी एमिट हो रही है वो भी क्या करना शुरू कर देती है? इंक्रीज करना शुरू कर देती है, देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। और जो एमिटेड रेडिएशन उनकी फ्रिक्वेंसी को भी क्या करती है? वो इंक्रीज कर देती है। एज द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज, जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी वेवलेंथ शिफ्ट करेगी लोअर वैल्यूज में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नेचुरली उनकी एमिशन पावर भी इंक्रीज़ करेगी। अगर इंक्रीज़ करेगी तो वो फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो वेव लेंथ वो शिफ्ट कर जाएगी लोअर वैल्यूज़ में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल। हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब कोई एक फिक्स फ्रिक्वेंसी की लाइट जो वो सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर टच करती है, स्ट्राइक करती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बस व्हेन लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल द फोटोन गिव्स इट्स एंटायर एनर्जी। वो जो फोटॉन्स होते हैं लाइट से मिलते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देती है। किसके इलेक्ट्रॉन को? जिस मेटल के साथ वो टकरा रही है उसके इलेक्ट्रॉन को। द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल ओनली इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज सफिशेंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। मतलब होने का ये है कि इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होंगे जब वो जो लाइट है, जो लाइट से उसे एनर्जी मिल रही है फोटोन को, वो इतनी ज़्यादा हो कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर पाए। मतलब उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उनको न्यूक्लियस से इजेक्ट करवा सके। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की,
जो एक्साइट करने के लिए जरूरी होती है इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। द थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें एमिशन के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, दैट इज़ एच न्यू नॉट। सेकेंड, आपने यहाँ पॉइंट याद रखना है कि इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, तो एक्सेस एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन। उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यानी कि जो एनर्जी होती है किसी क्वांटम की, वो किसके बराबर होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो जो मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से वो एक्साइट हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वन क्वांटम की एनर्जी हमने अभी पढ़ा कि एच न्यू के बराबर होती है, और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एच न्यू नॉट के बराबर होती है, और काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एम ई से डिनोट किया है, और वी स्क्वायर तो पता ही आपको वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है, व्हेन न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट, देन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ क्वांटा इन इंसिडेंट, देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। मतलब अगर हम जो लाइट फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, तो उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। व्हेन न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट, देन ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी, अगर न्यू जो अब न्यू नोट से ग्रेटर है, और अगर एनर्जी जो फ्रिक्वेंसी का और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो जो एनर्जी होगी ईच फोटोन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो जो फोटोन की एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ करेगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है ईच इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। ये आप देख सकते हो, ये फ्रिक्वेंसी जो लाइट की वो एक तरफ वो है ग्राफ में, आप दिख रहा होगा आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिट इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, इसलिए जो ग्राफ आता है इस केस में वो ऐसा होता है लीनियर ग्राफ। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो लाइट है उसकी क्या होती है, बोथ द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर मतलब फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन भी होता है उसमें, और इंटरफेरेंस भी होती है, और पार्टिकल नेचर जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। तो हम कह सकते हैं कि एज ए होल लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉर्डर आर्टिकल आता है, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? अ स्पेक्ट्रम इज़ ए ग्रुप। एक स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक ग्रुप और बैंड ऑफ वेवलेंथ और ऑब्लिक कलर्स, एंड द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक बैंड होता है या ग्रुप होता है वेवलेंथ और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, जिससे की हेल्प से हम क्या करते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन को के स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाता है, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले बात कर रहे हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ए रो सोर्स आर इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। कोई सोर्स है जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, निकल रही है, उसको हम किसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं? प्रिज्म के ऊपर, एंड आर सेपरेटेड इंटू डिफरेंट वेवलेंथ। प्रिज्म में से पास होने के बाद वो अलग अलग वेवलेंथ में सेपरेट हो जा रही है, और उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, उसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम भी दो तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा होता है और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा की। कॉन्टिन्यूस मतलब देयर आर नो गैप्स बिटवीन वेरियस वेवलेंथ, जो वेरियस वेवलेंथ्स होंगी उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। वन वेवलेंथ मर्जेस इनटू अनदर, ऐसा रहेगा कि एक वेवलेंथ है वो दूसरे में मर्ज हो रही है। तो इसका आप डायग्राम देख सकते हो, व्हाइट लाइट, इस केस में हम व्हाइट लाइट को कंसिडर कर रहे हैं, व्हाइट लाइट का बीम निकल रहा है, स्लिट में से एक होल रखा है, वहाँ से पास होके आ रहा है, और उसको हम प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, और प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करने के बाद वो स्कैटर हो जा रहा है। स्कैटर होने के बाद वो सेवन जो कलर होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसको हम बोलते हैं बेबग्योर, ठीक है। तो ये बता रहा है हमें, देख सकते हो आप, फोटोग्राफिक प्लेट को लगाया गया, फोटोग्राफिक प्लेट जो इसको डिटेक्ट करेगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं इसे हम, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
सर्टन वेव लेंथ गो मिसिंग फ्रॉम ए ग्रुप, क्योंकि उसमें आपने देखा कंटेंट स्पेक्ट्रा था तो सात के साथ ही वेव लेंथ जो मेन सेवन कॉन्स्टेंट कलर होते हैं उनकी आपको रेज दिखाई दी। बट इस केस में क्या होता है, कुछ एक वेव लेंथ जो हैं वो अपने ग्रुप से मिसिंग होती हैं और वो इसके लिए पीछे क्या है डार्क स्पेसेस छोड़ जाती हैं और डिसकंटिन्यूटी देती हैं स्पेक्ट्रम को। इसको हम फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने एक प्लेटिनम वायर ले ली जो सोर्स है, ठीक है, प्लेटिनम वायर को और NaCl और बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुआ प्रिज्म के ऊपर, तो आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ दो येलो लाइंस आ रही हैं, बाकी यहाँ मिसिंग है, बाकी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। उसके बाद आता है हमारा दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हेन लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज़ फर्स्ट पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। इस केस में क्या होता है, कोई सोर्स है लाइट का, मान लो वाइट लाइट आ रही है, उसको हम स्लिट में से पास करवा रहे हैं और फिर उसको सोल्यूशन में से पास करवा रहे हैं, उसके बाद केमिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ हमने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है, तो इट इज़ ऑब्जॉर्ब दैट देयर आर सम डार्क लाइन्स इन द अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो कुछ एक यहाँ डार्क लाइन्स जो है वो दिखाई देती हैं जो सेवन कंटिन्यूस कलर हैं उसके हिसाब से, तो ये हमें बता रहा है प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक था। कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बोर मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे और क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।